नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी सेल। मेरे चैनल सेल रवि ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ रिलायंस ट्रेंड्स, तो मुझे लगा आप लोगों से थोड़ी बात कर लेनी चाहिए और मैं जो कुछ भी लेके आऊँगी तो आप लोगों के सामने दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मेरे साथ साथ चलिएगा और रास्ते का इंजॉय और रिलायंस ट्रेंड्स का इंजॉय करिएगा। मैं कुछ कुछ क्लिप्स देती जाऊंगी और मैं करने वाली हूँ आज शॉपिंग, देखती हूँ क्या समझ में आता है। तो जो लेके आऊँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं हूँ अपने बालकनी में खड़ी हूँ, तो चलिए मेरे साथ साथ, तो लेट्स गो। तो गाइज़, मैं रिलायंस पहुंच चुकी थी और मैं यहाँ पे जा रही थी, ऊपर एंटर कर रही थी, मेरी फ्रेंड्स क्लिप ले रही थी। तो मैं ऊपर पहुंच गई थी जेंट्स सेक्शन में, तो इसलिए मैं वहाँ पे लोअर देख रही थी कि किस तरीके से है और कितना इसका प्राइस है, और साइज चेक कर रही थी। बस इसी तरीके से कुछ मेरी चल रही थी शॉपिंग, तो मुझे ही लेना था। और मैं, मेरी एक फ्रेंड गई थी, वो मेरा क्लिप ले रही थी। बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा देखी और पूरा देख ली हूँ। तो चलो मैं मिलती हूँ घर पे, कुछ जो सामान लूँगी फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए, और मैं अब नीचे जा रही थी, मुझे कुछ अपने लिए लेना था तो लेडीज़ सेक्शन में। और लिफ्ट से इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि थोड़ा सा कोविड चल रहा है और बहुत कंजेस्टेड था, इसलिए मैं अपना स्टेयर्स का ही यूज कर रही थी और कुछ टी शर्ट वगैरह देख रही थी। तो चलिए देखिए मेरे साथ मैंने क्या क्या लिया है, मैं घर पहुँच के आप लोगों से बात करती हूँ। तो चलिए म्यूजिक के साथ इंजॉय करिए। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों के साथ में कि जो कुछ लाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, तो वो टाइम आ गया है। तो देखिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैं लेके आई हूँ एक ये अपने लिए टी शर्ट, तो आप लोग देखिए ये कुछ इस तरीके से है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये टी शर्ट मेरी कैसी लगी। और ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़े में है और यहाँ पे इसमें कुछ इस तरीके से स्टार में डिज़ाइन दे रखी है जो कि पार्टी लुक भी दे रही है। थोड़ा सा हम मतलब कि इसको पार्टी वियर भी यूज कर सकते हैं, बट कैजुअल लुक में तो बहुत ही प्यारी है। और इसका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, ये जो सॉफ्ट मटेरियल का है, और ये कॉलर है, और ये लाइनिंग में टी शर्ट है। तो मुझे लाइनिंग में टी शर्ट बहुत पसंद है। तो इसका प्राइस मैं बता दे रही हूँ गैस, ये है 399। आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग ये मत बोलिएगा कि
आप दिखावा कर रही हैं इसलिए यूट्यूब में प्राइस बता रही हैं, बट मेरा ऐसा कुछ थिंकिंग नहीं है और मैं बिल्कुल भी यहाँ पे दिखावा करने के लिए नहीं हूँ। तो आप लोग बस इसलिए मैं आपको प्राइस बता रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए और आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। तो मैं हर तरीके से कपड़े पहनती हूँ, ब्रांडेड भी पहनती हूँ, नॉन ब्रांडेड भी पहनती हूँ। मतलब ये मत बोलिएगा कि नहीं बहुत ब्रांड वाली बन रही है ऐसा कुछ, तो गाइज डोंट माइंड, ये मत सोचिएगा। बस मैं आप लोगों को दिखा रही थी और मैं कुछ लेके आई हूँ तो, और आपको दिखा रही हूँ जितना मेरा है। तो और मैं ये लेके आई थी एक अपने लिए जीन्स, तो ये है ब्लू कलर का, कुछ इस तरीके से है और इसका साइज है 30 और इसका ब्रांड है मिड वेस्ट स्क्रीन DNMX करके है और मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस इतना ही था इसमें। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये है जीन्स। तो मेरे पास जीन्स ख़राब हो चुकी थी और ज़्यादा जीन्स थी नहीं, ये मेरे थोड़ा सा लूज है, बट मैं कभी मोटी हो जाती हूँ कभी पतली हो जाती हूँ, इसलिए मैंने ये लिया था। तो आप लोगों को कैसा लगा, और मैं इसका भी प्राइस बता दे रही हूँ, तो ये है 999 का। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये है इस तरीके से है और ये इसका साइज है 30, तो कुछ इस तरीके से मेरा जीन्स है और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का है और ये देखिए स्ट्रेचेबल भी है, आप इसको किसी भी तरीके से पहन सकते हैं, बैठ सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ये कुछ इस तरीके से मिला है मेरा जीन्स और मैंने लिया है, तो आप लोग इसको जाके परचेज कर सकते हैं जिसको अच्छा लगे रिलायंस ट्रेंड से। तो और नेक्स्ट देखिए मेरा मैं क्या लेके आई हूँ अपने लिए, तो नेक्स्ट लेके आई हूँ एक ये है मेरा टॉप, ये कुछ इस तरीके से टॉप है जो कि वाइट और ब्लैक में है और ये कुछ डॉटेड सा है, ये नीचे इसका फ्रिल है इस तरीके से और पीछे इसके इलास्टिक पड़ी है कुछ इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके इसका फ्रिल है और इसका जो नेक है वो वी साइज में है, बट इसको पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है और मुझे तो बहुत पसंद है, और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है। और ये भी है DNMX का और इसका साइज है S87, तो मुझे एस साइज आता है तो मैंने एस साइज लिया है, बाकी सारे साइज वहां पे अवेलेबल थे और ले सकते हैं। और जो इसकी ये इस तरीके से आस्तीन है पफ वाली, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है और ये देखिए इसका इस तरीके से बटन लगा हुआ है, तो ये आता है हैंड में जो कि एल्बो तक ही है और बहुत ही प्यारा लग रहा था इसका मुझे डिजाइन। और मैं आप लोगों को ये कभी पहन के जाऊंगी तो दिखाऊंगी, अभी तो नहीं दिखाने वाली क्योंकि इतना टाइम नहीं है और फिर अच्छा भी नहीं लगेगा जब मैं कभी पहनूंगी, तो इसलिए थोड़ा सा ये आपको सरप्राइज रहेगा और मैं पहन के जब दिखाऊंगी पूरा लुक में तब अच्छा लगेगा, इसलिए मैं अभी ट्राई करके दिखाने वाली नहीं हूँ, आपको ऐसे दिखाई दे रही हूँ। तो इसका प्राइस मैं बता दे रही हूँ, ये भी है 999 का। तो मैं बहुत ज़्यादा महंगे नहीं पहनती हूँ, मीडियम में पहनती हूँ और बहुत सस्ते भी नहीं पहनती हूँ, और कभी कभी दोनों चल जाता है, सस्ते भी और महंगे भी। तो देखिए गाइस, और अगर मेरा ये टॉप पसंद आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि ये कैसा लगा, और मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने लिया था। और मैंने लिया है एक ये है लोवर, तो मैंने अपने लिए लोवर लिया था जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और नीचे से ये ग्रिप वाला है और मैं बहुत दिन से ग्रिप वाला ढूंढ रही थी क्योंकि मेरी हाइट है कम तो मुझे मिल नहीं रहे थे, मैं बहुत ज्यादा ढूंढ रहे थे, मिल रहे थे तो वो बड़े हो रहे थे तो इसलिए। और इसका साइज भी एस साइज का है तो आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए इसमें स्टिकर लगा है, इसका साइज है S। तो और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का है, देखिए आप होजरी में भी नहीं है, थोड़ा सा कॉटन टच है, होजरी भी मिक्स है तो इस तरीके से। और इसमें ये लगा है इसका रिबन, तो आप इसको टाई भी कर सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी सी इलास्टिक पड़ी है जो कि बहुत ही चौड़ी सी है, आप लोग देख सकते हैं, और देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये मुझे लोवर बहुत ज़्यादा पसंद आया है
और आप लोग भी बताइएगा और आपको पसंद आया कि नहीं, इसलिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बट इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को, वरना मेरा दिखाने का कोई मतलब नहीं था। तो चलिए, एक और मेरे पास टी शर्ट है, तो ये भी मैं लेके आई हूँ। ये है वाइट कलर की और ये कुछ इस तरीके से है। और वाइट कलर की टी शर्ट जब ब्लैक जीन्स के साथ या ब्लू जीन्स के साथ पहनते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक देता है, तो इसलिए मैंने लिया है। और हम लोगों का कुछ प्लान है, तो वो आप लोगों के सामने सरप्राइज रहेगा। तो हम लोग कुछ करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने सब वाइट वाइट लेके रखी है, सारी फ्रेंड्स ने। तो ये आप लोगों के सामने सरप्राइज रहेगा। तो देखिए, बताइए कैसी लगी आपको मेरी टी शर्ट। तो इसका साइज कौन सा है? इसका साइज भी एस साइज है, नहीं, इसका साइज मैं एम लेके आई थी, क्योंकि मैं कभी मोटी हो जाती हूँ और टी शर्ट मुझे लूज पहनना ही पसंद है। फिटेड टी शर्ट मुझे अच्छी नहीं लगती है। टॉप तो थोड़ा चल भी जाता है, बट टी शर्ट मुझे फिटेड बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ा सा लूज ही लेती हूँ। और देखिए जो पहन के रखी है, अभी कितनी लूज है। तो इस तरीके, इसलिए मैंने ये टी शर्ट एम लिया है। एस मुझे आ जाता है, बट थोड़ा सा फिटेड होता है, बट वो इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए। और ये भी मुझे बहुत पसंद है। और इसका प्राइस मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, इसका प्राइस का गिर गया, बट ये 399 की थी ये भी टी शर्ट। तो चलिए, और कुछ मैंने लिया हुआ है अपने फियांसी के लिए, जो कि सरप्राइज है, और बट ये वीडियो देखेंगे तो वो देख ही लेंगे। तो उनके लिए भी मैं कुछ लेके आई थी, तो आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो ये है, लेके आई थी टी शर्ट, तो आप लोग देखिएगा, जो कि बहुत ही प्यारा कलर है, सिंपल एंड सोबर है, और मुझे तो बहुत ही पसंद आई है। आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग बताइएगा। कुछ तो इस तरीके से ये है टी शर्ट। तो इसका भी मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख लीजिए, इस तरीके से कुछ है, जो कि थोड़ा सा वूलन टच वाली होती है, और ये समर में ही बहुत ही ठंडक देने वाली टी शर्ट है, और बहुत ही कंफर्टेबल है। आप इसको सफर में कहीं जाते हैं तो इसको वियर कर सकते हैं जीन्स के लिए, और बहुत ही कंफर्टेबल टी शर्ट है। और इसका साइज है एल, उनको आता है एल साइज का, तो मैंने ये लिया है एल साइज का, और ये बहुत ही मुझे पसंद है, और बहुत ही ब्यूटीफुल टी शर्ट लग रही थी। और ये देखिए, इसका प्राइस है 699, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और उनके लिए भी मैंने लिया है एक लोवर, तो ये देखिए, ये है उनका लोवर, जो ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। खास तौर से ये जो स्टिकर लगा था इस तरीके से, ये मुझे बहुत पसंद आया था, और सिंपल सोवर था, ये भी ग्रिप वाला है। मुझे ग्रिप वाले लोअर बहुत ज़्यादा ही पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए भी ग्रिप वाला लिया है, कि हम लोग मैरिज के बाद मैचिंग मैचिंग पहनने वाले हैं, तो इसीलिए। और इसमें ये लेसेस लगा है, आप इसको भी टाई कर सकते हैं यदि आपकी इलास्टिक थोड़ी सी लूज हो जाए, तो इसमें दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको पहन सकते हैं। और ये कलर ग्रे कलर तो मेरा फेवरेट कलर है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसका साइज है एक्सल, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये एक्सल साइज का है, और इसका प्राइस है 599, तो ये देख लीजिएगा, ये है 599 का। तो ये भी आपको पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है, ये है टी शर्ट, तो उनके लिए भी मैंने लिया था वाइट कलर की टी शर्ट। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। हम दोनों लोग व्हाइट व्हाइट पहनेंगे अगर कहीं जाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने लिया था व्हाइट कलर की टी शर्ट। और ये भी है DNMX की, तो इसका साइज है एल, उनको एल साइज का आता है, लोकल में एक्सल आता है, ब्रांड में एल आता है, तो उनके लिए भी ये टी शर्ट थी। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी टी शर्ट, दोनों टी शर्ट में सबसे ज़्यादा किसकी वाली अच्छी लगी, ये भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और उनको मैं सरप्राइज देने वाली हूँ, उनका बर्थडे आने वाला है, अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा है, बट मैं धीरे धीरे करके कलेक्शन करती जाऊँगी और ढेर सारा फिर गिफ्ट देने वाली हूँ इसीलिए। और एक मैंने लिया था उनके लिए ये परफ्यूम, तो ये देखिए, ये परफ्यूम, ये है ग्रेफिट करके कुछ नाम है इसका, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। इसका फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा चॉकलेटी में भी है, और ये मुझे बहुत पसंद आया था। इसका प्राइस कितना था? 119 का है, तो आप लोग अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे।
और ये उनके लिए ही है, ये जेंट्स परफ्यूम है। और नेक्स्ट मैं अपने ये एक छोटी सी चीज लेके और आई थी, जो कि मैंने ये लगा के रखी है और आप लोग बताइएगा, ये है नेल पॉलिश। तो इसका कलर पर्पल भी नहीं है, लाइट शेड है पर्पल का, तो ये भी नेल पॉलिश मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और इसका प्राइस है 75 रुपीज, तो आप लोग देख लीजिए। और मैं मुझे नेल पॉलिश ट्रेंड्स की ही पसंद आती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये लोग आप देख ही सकते हैं, मैंने दोनों हैंड में यही लगा के रखी है जो कि इस तरीके है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग बताइएगा इतनी सारी शॉपिंग में सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आया है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। और आ गया है मेरा टाइम जाने का, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा मटेरियल लेके, कंटेंट लेके, तो आप लोगों से मेरा मन हुआ चलो थोड़ी जाते जाते बात कर लेती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा गपर गपर कर लिया है, तो आप लोग माइंड मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा जो लोग भी नए हैं। और मैं यहाँ पे किसी का ये करने वाली नहीं हूँ कि किसी को फोर्स भी करने वाली नहीं, कि नहीं आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है या कोई प्रेशर है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है, थोड़ा सा लगता है कि कुछ अच्छा सा है, कुछ लड़की ने किया है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।